आरसीएम क्या है? आरसीएम कुछ नहीं है, यहां आपको समझना है। अब तक जो मैं खरीद कर रहा था उससे तो पैसा मार्केट में जा रहा था, अब जो मैं खरीद करूंगा उससे पैसा आ सकता है, एक संभावना है, लोग बता रहे हैं कि यहां से पैसा आ सकता है, हम यहां से काम करके लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, एक संभावना है। मार्केट में कोई संभावना है? नो। तो जहां संभावना है वहां ताकत लगानी चाहिए, वहां प्रयास तो करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए ना। यस सक्सेस होना चाहते हैं, यस तीन सूत्र हैं, कोई कुछ भी बोले उनको मत मानना, जो मैं बोल रहा हूं उसको मान ले। सिंपल से तीन बातें बता के जा रहा हूं, कोई कुछ भी बोले बोल दो। यस पहला है प्लान शो करना। क्या है? प्लान कुछ लोगों को सुना नहीं है। क्या है पहला? शो। दूसरा है प्लान शो करना। तीसरा भी बता दूं, कुछ समझ गए होंगे। तीसरा भी प्लान शो करना ही है, कोई कुछ भी बोले यही है सूत्र, और कुछ नहीं है। जब तक मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, मुझे लोगों ने मना किया, तो मैं पहला पॉइंट अजमाया, मैंने प्लान देना शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये काम नहीं चलते, तो मैंने दूसरा सूत्र अजमाया, मैंने दोबारा प्लान देना शुरू किया। कुछ लोगों ने बोला सही काम नहीं है ये, सही तरीके से करो, मैंने तीसरा प्लान शो करना शुरू किया। मैं प्लान देता चला गया, प्लान देता चला गया, लोग जुड़ते गए, लोग छोड़ते गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके भाई का पिछले महीने का बिजनेस 22,65,000 का गया, और पता नहीं अब ऐसा नहीं क्या हो गया है। ये बिजनेस अब घटता नहीं है, हर बार बढ़ता है। बताऊं क्यों? कुछ मेरे जैसे पागल आ गए, और ये पागलों का ही चलता है। कितने लोग हैं जो पागल बनना चाहिए? अच्छा, पागल बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती? चलो दूसरे तरीके से बात करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी लाइफ में, जिंदगी में, कॉलेज टाइम में, यंग एज जब प्यार किया? कुछ गलत पूछ लिया? अच्छा जिंदा लोग कितने? यार जिंदा हो तो कहिया होगा ये तो है? अच्छा चलो फिल्में देखिए, आपने देखा होगा कुछ हीरो कुछ हीरोइन एक दूसरे को प्यार व्यार में चक्कर में पड़ जाते हैं ना, और आपने देखा होगा कई बार उनके दिल टूटते हैं, कई बार वो प्यार इस हद तक करते हैं, पागलपन की हद तक। देखा है कभी फिल्मों में? वो ट्रेनिंग लेती है कहीं से, पागल बनने की, पागलपन की, वो दिल से होता है सर। जिसको दिल से आरसीएम आ गया ना सर, वो अपने आप पागलपन की हद तक करेगा। यस, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, पागलपन से काम करना है, पागल बनना है। मैंने उस पागलपन से काम किया, जब बिजली बोर्ड की कॉल आती मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता, कहीं प्लान दिखा रहा होता। मुझे आपको क्या लगता है ऐसे ही आराम से हो गया? कई बार मुझे बिजली वालों ने डांटा है, कई बार मेरे पिताजी ने डांटा होगा, मेरी मैडम ने तो कई कई रात मुझे डांटा है। लेकिन पागलपन इस कदर बच गया था अंदर कि सारा ये रॉयल्टी समझ में आ गई कि ये लेनी है भैया। मैडम बार बार बोलती है भी कोई काम है, आप रात को आते हो, आरसीएम करते हो, कुछ और करते हो, मैं सिर्फ सिर्फ सुनता उसकी। क्योंकि एक चीज हमें हमारी अपलाइन ने बताई थी कि आपको ना सुनने का पैसा मिलता है, सुनाने का नहीं मिलता। तो मेरी समझ में आता कि इसको भी सुन ले यार, जब पैसा ही मिल रहा है ना। कामयाब होना चाहते हैं सर? यस। कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करें? यस। मैंने ज्यादा लंबी स्टोरी अपनी नहीं सुनाई, नहीं बहुत कट भरी कहानी है, कभी टिकट लेके सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। मुझे एक बात बताई थी, जब आपको बोलने का पैसा मिले ना, तभी सुना दी है ये चीज, और मैं वो समझ चुका हूँ सर। अभी तो हम पैसा देके आ रहे हैं, गुरु जी को सुनना है, तो आज मैं कुछ कम बातें बताऊंगा, लेकिन मतलब की बताऊंगा, ठीक है? यस। रेडी है? यस। चलो पहले मैं एक दो बात ऐसी बताता हूँ। एक इंटरव्यू सुन रहा, इंटरव्यू में मैं दो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स को सुन रहा था, और
बहुत बड़े लीडर्स थे, उनके कुछ मैंने 5-7 पॉइंट लिख लिए। कई बार जब मैं फ्री होता हूं ना तो मैं रील देखता हूं, तो मुझे अभी एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला था फरीदाबाद, और उस बंदे की भाषा शैली कुछ ऐसी थी, उसने बताया कि जिसकी खोपड़ी खराब है ना वो ऐसे गंदे गंदे काम करता है, रील वगैरह देखता है। तो मैंने बोला यार खोपड़ी तो अपनी खराब नहीं है, तो काम बदल देते हैं। तो उस टाइम से मैंने रील की जगह, जब भी मेरा रील देखने का मूड होता तो मैं कोई वीडियो सुन लेता हूं, और वो वीडियो मैंने जो सुनी उसमें से कुछ पॉइंट थे, जब बिजनेस कम हो जाए तो क्या करें, है ना। लिखना नहीं है, मेरे पॉइंट्स को नहीं लिखना, लिखने वाली बहुत सारी बातें रहेंगी यहाँ पे, बस आप ध्यान से सुनो और जल्दी जल्दी कवर करेंगे, है ना। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके बिजनेस कम हो जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं, मेरा भी हुआ है, होता है, ये बिजनेस है कम ज्यादा रहेगा। तो ये मतलब का पॉइंट लगा मुझे और मैंने उसे स्टॉप किया वीडियो को, फिर लिखा, फिर दोबारा चलाया, और उन्होंने बताया एक्टिविटी बढ़ा दो, अपने काम करने का वो, हाँ मतलब एक्शन प्लान बढ़ा दो, अपना कुछ करना शुरू करो, एक्टिविटी बढ़ा दो अगर बिजनेस कम हो रहा है तो। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, रिटेल करो। जब बिजनेस कम हो जाता है ना तो टीम नहीं बनती कई बार, तो उस टाइम करंट इनकम की जरूरत होती है, करंट इनकम के लिए ना रिटेल करनी जरूरी होती है, तो रिटेल करो। और मेरी भाषा में समझोगे तो मैं तो थोड़ी सी रिटेल बताता हूँ, मैं तो केवल 5000 पीवी की बात करता हूँ, बाकी आप ज्यादा कितनी भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5000 पीवी रिटेल जरूर सीखो डायमंड क्लब के लिए, ठीक है। हाँ, ये मतलब का पॉइंट तीसरा ही है जो हम नहीं करते, क्योंकि एक्टिविटी भी हम बढ़ाते हैं और रिटेल भी हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट मुझे उनका बहुत शानदार लगा, और मैं इस चीज पे मैं उस दिन से काम कर रहा हूं जब से मुझे आरसीएम समझ आया था, अपनी कोर टीम के साथ प्लानिंग शुरू कर दें। मान लेते हैं आपका बिजनेस था 5 लाख और वो 2 लाख पे आ गया, और जब 2 लाख पे है तो भी तो कुछ लीडर्स होंगे ना आपके साथ, जो परचेज कर रहे होंगे, जिनकी बिल चल रही होगी, जो काम कर रहे हैं, है ना, वही हमारे कोर लीडर्स हैं जिनसे हमारा बिजनेस 2 लाख आ रहा है। उनके साथ बैठिए, प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग पे एक्शन कर दीजिए, ये तीन चीज बताई थी, ठीक है। देखिए, लिखना नहीं है, यस नो करिए, मुझे लगेगा आप सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, जल्दी जल्दी जब निपटेंगी जब आप मेरी तरफ यस नो करेंगे, नहीं मुझे लगेगा ये सो गए हैं, ट्रेनिंग बंद है। अच्छा, ये था जब बिजनेस कम हो जाए तो क्या करें, आप जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो जब क्या करें, जब अच्छा चलता है ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि है अब तो मजे हैं, अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उसी टाइम बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब बिजनेस आपका बेस्ट चल रहा हो तो क्या करना चाहिए बताऊं, जल्दी जल्दी बताते, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। मान लो रॉयल्टी आ गई किसी की, वो बोलता है कि अब तो मजे है, अब आगे नहीं करना, अब तो मैं साफ बन गया, है ना, उस टाइम एक्टिविटी तेज कर दो, क्योंकि अभी हमारी रॉयल्टी का एक लेवल आया है, दूसरी लेवल भी है रॉयल्टी का, गोल्ड के बाद स्टार गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है, फिर स्टार प्लेटिनम है, फिर उसके बाद टेक्निकल आ जाएंगी, है ना, तो एक्टिविटी और तेज करनी है। उसके बाद क्या है, ईगो में नहीं आना चाहिए, ठीक है। टीम टाइम मांगती है, मैं टाइम नहीं दूंगा, है ना, मैं साहब हो गया हूं अब। मैं एक चीज बोलता हूं कई बार, जो आपके ना हमारे 21 पॉइंट हैं, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और कार्डिनल रूल्स, जब भी आपकी आदत खराब हो इनको पढ़ लो, और जब भी आपको कुछ गड़बड़ करने का मन करे, है ना, मैं एक पॉइंट है CCC नाम से, और वो मेरे चैनल पे है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए मैंने और नवनीत जी ने, चैट विद रावत ब्रदर्स, उस चैनल पे आप वीडियो सुन लेना, शायद 4-5 मिनट की है। उस CCC को जब भी आप गड़बड़ करें, कैश करेक्टर कमिटमेंट, तो वहां आपको क्या सोचना है, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सब गड़बड़ करेंगे, लेकिन डायमंड बनने के बाद। और मेरा मानना यह है, जब डायमंड बन जाएंगे ना तो आपको ये सब करने की आदत ही नहीं रहेगी, समझ रहे हो, आप इंसान बन जाओगे वहां। बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि डायमंड बनने तक ईमानदारी से रहना है, आपने टाइम, एफर्ट्स, पैसा सब कुछ यहां लगा रखा है। चलो, अब ज्यादा मैं इस पे नहीं बोलूंगा, थोड़ा और भी कुछ मैंने लिखा है, लेकिन एक चीज बताता हूं मैं। वो कंपनी वाले डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने बोला, सर हमारे इतने आउटलेट्स हैं, कंपनी इतने देशों में चल रही है, इतनी मेहनत कर रही है, और हमारे आउटलेट्स हैं,
पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में मैं बात करूं सर 3200 आउटलेट्स है। अला ऐसे बता रहे थे, मैं सोच में पड़ गया हमारी कंपनी में कितने हैं। मैंने बोला 16,000 है। साला ये क्या है यार, हम तो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी में जुड़े हुए हैं, लेकिन बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि हम वाकई बेस्ट कंपनी में। उन्होंने 3200 इस तरह से बोला था, सुनना वीडियो कभी मेरे से पूछ के मैं बता दूंगा कौन सी। ऐसा लगेगा कि हमारी कंपनी विश्व की इतनी बड़ी कंपनी है, 3200 आउटलेट्स। क्या हमारी में कितने, जब सोचा तो ये आसपास में नहीं है हमारी के। हेलो, हम बेस्ट कंपनी में है। अच्छा, कितने लोग हैं जो काम को ढंग से करना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होने का कोई सूत्र है वो जानना चाहते हैं? फोकस, केवल फोकस। जो 100 दिन की बात गुरुजी ने की है ना, वो काम करेगा फोकस होने से। केवल फोकस होके काम करिए, अगर फोकस नहीं है हम तो काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे, ज्यादातर सभी साथियों ने ये काम किया होगा, जब हम छोटे थे ना, एक लेंस लेते थे कांच का और उसे ऐसे धूप की तरफ करते, सूरज की तरफ करते और एक कागज को जलाने की कोशिश करते थे, है ना। किसी किसी के पैर को जला देते थे, जब वो ज्यादा पटाखू लोग होते थे ना जैसे, तो उनसे अगर हमें थोड़ा सा वो करना होता था, मजाक वगैरह करना होता, उनके पैर की तरफ लगा देते तो वो जल जाता था। कांच से क्यों होता, क्योंकि वो सूरज की किरणों को एक जगह ले आते और उसे बोलते हैं फोकस। ठीक है, ऐसा फोकस होना चाहिए हमारा 100 दिन के लिए। है क्या आपका ऐसा फोकस? Yes! देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, कोई शिकार पे गया और जब वो शिकार पे गया तो उसे खरगोश नजर आया और उसने फोकस किया और खरगोश पे तीर निशाने पे लगाया और जैसे वो उसे मारना चाह रहा था, उसे चलाना चाह रहा था तीर को, तो वहां से एक हिरण गुजर गया। तो उसने बोला यार ये तो छोटा सा है, जब शिकार ही करना है थोड़ा बड़ा करते हैं, और हिरण की तरफ उसने अपना तीर कर दिया और फिर उसने उस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसको निशाना लगाया, उसके बाद वहां पे एक बारहसिंगा गुजरने लगा, तो उसने बोला ये उससे अच्छा है, शिकार इसका करना चाहिए। तो उसने बारहसिंगा की तरफ निशाना लगाया और अपना फोकस चेंज किया और वो वहां से उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया और थोड़ी देर में बारहसिंगा गायब हो गया और शाम को वो हरा थका घर पहुंचा और कुछ भी नहीं मिला, ना राम मिले ना माया। क्यों? क्योंकि फोकस हट गया। तो आपका ना बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में फोकस क्या होना चाहिए 90 दिन के लिए? जैसे मैं बात करूं, कुछ साथी हमारे जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनका फोकस होना चाहिए कुछ भी हो जाए सर पर्ल करनी है सितंबर में 8%, जून से शुरू हो सकती है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर में पर्ल करनी है। या आपका फोकस होना चाहिए सर मुझे रॉयल्टी करनी है, जो भी है, लेकिन अपना फोकस एक रखना है और उस फोकस पे काम करना है। करने के लिए तैयार है? Yes! अगर फोकस हट गया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, फोकस होता कब है आपका? फोकस होता है किसी लालच में। आपका स्वार्थ होना चाहिए, आपका स्वार्थ होना चाहिए रॉयल्टी का, आपका स्वार्थ होना चाहिए टेक्निकल का। अगर आपका स्वार्थ कुछ बड़ा है तो आपका फोकस उसी तरफ रहेगा। है क्या फोकस कहीं कोई स्वार्थ से जुड़े हो? सितंबर में क्या करना है? है किसी का? Yes, कोई टारगेट बना रखा है? Yes. बिना गोल के कुछ नहीं होगा। एक मैदान है फुटबॉल का और उसमें दो तरफ जाल लगे रहते हैं, गोल पोस्ट बोलते हैं उसे, और अगर दोनों को हटा दें तो क्या होगा? बिना गोल के आप पूरे टाइम घूमते रहोगे, पूरी एनर्जी खराब हो जाएगी और आपका कोई एक भी गोल नहीं होगा। तो आपका फोकस है, गोल है, तो आप कुछ कर पाएंगे। 90 दिन में अपना गोल बनाना है, उस पे काम करना है। जैसे गोल कैसे होना चाहिए, मिल्खा सिंह का नाम सुना है? Yes. फिल्म देखी थी मैंने, उस पे ही मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। उस फिल्म से मिल्खा सिंह की थोड़ी सी स्टोरी देखिए, मैं बता दूं मिल्खा सिंह का पहला गोल क्या था। पहला गोल था, जब फिल्म शुरू होती है, मिल्खा सिंह को दूध का एक गिलास चाहिए और उसके लिए वो दूध के एक गिलास के लिए रेस लगाता है, मेहनत करता है ना, दौड़ एक गिलास दूध के लिए होती है। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए बिगिनर का। कितने लोग हैं जो बिगिनर हैं? और जब तक बिगिनर नहीं आएगी ना, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस ऑल लीडर्स,
जब तक बिगनर नहीं आएगी ना अगला गोल नहीं बनेगा। और मिल्खा सिंह ने जैसे ही दूध का गिलास प्राप्त कर लिया वो रुका नहीं, उसने दूसरा गोल अपना बना लिया और दूसरा गोल वो बनाता है इंडियन जैकेट का कि मुझे ये इंडियन कोर्स चाहिए। देखिए फिल्म आप लोगों ने अगर देखी होगी तो आप समझते जाओगे। दूसरे गोल के लिए पता है क्या होता है, उसे कोच का चाटा भी सहना पड़ता है, उसे कुछ लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ती है, कुछ उसे मारते हैं, है ना। तो दूसरा गोल हमारा रहता है ना, वो रहता है हमारा इस बिजनेस में ओपनर का, और आसानी से नहीं मिलता वो, उसके लिए कई बार आपको दौड़ना पड़ेगा। लोग मना करेंगे, गिरेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, और अगर टारगेट है, गोल है, तो आप दूसरा गोल जरूर अचीव करेंगे, ठीक है। तीसरा गोल उसका एक कोच उसे देता है कि 45 मिनट में या 45 सेकंड, कुछ मुझे याद नहीं है ये अच्छे से, मैं सही से लिख भी नहीं पाया, इसमें आपको रेस पूरी करनी है। और वो जब प्लेन में हवाई जहाज में जा रहे होते हैं ना, तब वो बताता है और वो रेस भी पूरी करता है। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन जरूर आता है। जब आप इस बिजनेस में गोल लेके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको ना भटकाने वाले बहुत लोग आएंगे। कोई कंपनी आ जाएगी कि मेरी कंपनी में आ जा, यहां कुछ नहीं लग रखा है, कुछ अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको। और उसके साथ क्या हुआ, मिल्खा सिंह के साथ, जैसे ही वो वहां लंदन में जाता है तो वहां उसको एक गोरी लड़की मिल जाती है, और उसके साथ वो, आपने देखा होगा फिल्म में, वो डांस वांस करता है, गाना वाना गाता है ना, और अगले दिन उसकी रेस होती है, उसका चैंपियनशिप होती है, और उसमें वो हार जाता है। फिर वो शीशे के सामने आता है, अपने आप को चाटा लगाता है कि यार तू कहां फंस गया, तेरा ये काम नहीं था, तेरा सपना था अपने नाम से एक हॉलीडे होगा, एक छुट्टी होगी, खुद को चाटा मारता है। तो ऐसी गलतियां हमसे होंगी, ऐसे डिस्ट्रक्शन होंगे, है ना। लेकिन क्या हमने कभी चाटा मारा है अपने आप को, क्या गलती सुधारी है हमने अपनी। उसके बाद एक और लड़की आती है, जब वो स्विमिंग पूल में होता है, और उसे बोलता है कि गलती आपकी नहीं है, मेरा उद्देश्य ही कुछ और है, और नमस्ते, मुझे काम ये करना है, मुझे अपने लिए एक हॉलीडे नाम लिखवाना है, एक छुट्टी का नाम इंडिया में मेरा होगा, और वो उस रेस को जीत जाता है। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी भक्ति की वो देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, जिसमें लोग तपस्या करते हैं, वहां बहुत सारी उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, और हाँ मेनका, और वो हाँ हाँ मैं थोड़ा मैं इसलिए हिचक रहा हूँ, बड़ा ट्रेनर नहीं कुछ शब्द ऐसे वो बड़े लेवल पे ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रेक्शन आएंगे, इनसे अगर बच गए ना आप लोग तो बहुत बड़ा काम होगा, आगे जाएंगे आप लोग। लेकिन एक चीज और भी होगी, आपको डिस्करेज भी करेंगे लोग, उसको भी किया था। एक रेस हुई थी लास्ट की रेस जो पाकिस्तान में होती है, और पाकिस्तानी एक कोच था, वो बोलता है मिल्खा ये तेरी लास्ट रेस होगी आज के बाद, वो बोलता है मैं लास्ट की तरह ही खेलूंगा, समझे। मतलब अगर रेस लास्ट है तो टेंशन मत ले, मैं भी इतनी तेज इतनी मेहनत करूंगा कि लास्ट ही समझूंगा इसे। और हमसे कोई बोल दे ना, अरे ये कुछ ना है यार सीएम, इसे छोड़ दे, इतने दिन से मेहनत कर रहा है, मैं भी सोच ही रहा था कब छोड़ूं, है ना, हम इस इंतजार में रहते हैं दोस्त। वो रेस जीत जाता है, उसके बाद एक चीज और होती है, लास्ट में जब वो जीत जाता है ना सर, वो सफल हो जाता है। मैंने कुछ चीजें काट दी है, मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा सा हम ज्यादा ले गए। उसके बाद क्या होता है, वैल्यू ऑफ यूवर कोच, जब आप जीत जाते हो, बहुत सारे लोग रॉयल्टी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग टेक्निकल बन जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अब मैं बहुत कुछ बन गया हूं। जब मिल्खा सिंह कौन था मैं आपको बता दूं, उसने 80 रेस जीती थी, 80 रेस खेली थी, उसमें से 77 रेस जीतता है वो, तो ये बहुत बड़ी बात है, नेशनल इंटरनेशनल 80 में से 77 रेस जीतना, इतना बड़ा टारगेट था उसका, बहुत सारी गलतियां करी। लेकिन आपने देखा होगा ना, जब वो मेहनत करता है, पहले बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है अपना, वो जब पहले मेहनत करता था ना, पसीना जो बहाता था उसे वो मग में निचोड़ता था, याद है आप लोगों को, फिल्म देखी होगी। लेकिन उसे पता था बड़ा लेवल में जाना है तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद वो पसीना फिर निचोड़ता है। लेकिन अब बाल्टी होती है मेरे भाई, मेहनत करनी है अपना, आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना है मेहनत का। और लास्ट में मैं ये बता रहा था कि अपने कोच को नहीं बोलना है,
वो लास्ट में अपने मेडल को अपने कोच के गले में पहनाता है, उसके चरण स्पर्श करता है, बोलता है जो भी मैं आज हूं ना अपने कोच की वजह से हूं, आर्मी ने और कोच ने मुझे इतना कुछ दे दिया है। तो यहां हम और आप जो भी कुछ है ना, हमारे कोच की वजह से है, इस रॉयल्टी स्कूल की वजह से है। और मैं धन्यवादी हूं मेरी अपलाइन डॉक्टर लखनलाल जी, जगदीश कबीरा सर और सुनील शर्मा जी का, एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैप है। और मैं भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को, अपनी वीडियो को देखता हूँ आज के दो साल बाद, दो साल पहले मैं कैसा था, दो साल बाद कैसा रहूंगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ चेंज करने की, कुछ बदलाव करने की। और ये सब हो रहा है मेरे गुरुओं की वजह से, और मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए भी मैं एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा।